दोस्तों बाइबल के अंदर बहुत प्रकार की सुर्गदूतों का वर्णन किया गया है और जहाँ पर सुर्गदूतों का बात आता है हम सबके दिमाग में यही सोच आता है कि सुर्गदूत एक बहुत ही दयालु सुंदर दिखने वाले प्राणी है जो सबकी मदद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बाइबल हमें ऐसे दो प्रकार के सुर्गदूतों के बारे में बताती है जिनका रूप और कार्य बहुत ही रहस्यमय है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्रकार के सुर्गदूतों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले प्रकार का जो सुर्गदूत है वो है चार मुख और चार पंख वाले सुर्गदूत। बाइबल में इन सुर्गदूतों को करूब के नाम से भी वर्णन किया गया है जिसे इंग्लिश में चेरुबीम भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल अविश्वसनीय कल्पनाओं से भरी हुई है जिसे मैं और आप शायद ही कभी पूरी तरह से समझ पाए, लेकिन फिर भी बाइबल हमें कभी निराश नहीं करती है बल्कि परमेश्वर के बारे में स्वर्गीय और आत्मिक रहस्यों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक करती है ताकि हम इसे और भी अच्छे से समझ सकें। यहेजकेल नबी जब निर्वासित बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर थे तब उसने एक दर्शन को देखा। यह दर्शन बहुत ही आश्चर्यजनक दर्शन था। इस दर्शन में उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया और उत्तर दिशा से बवंडर आ रहा था जिसके बीच में कुछ चमकीली धातु सा दिखाई दिया और उसके अंदर उसने देखा चार जीवित प्राणियों को जिसके रूप के बारे में यहेजकेल ने बताया है कि उन जीवित प्राणियों के चार चार मुख और चार चार पंख थे। प्रत्येक प्राणी के पास अलग अलग मुख थे, एक मुख मनुष्य का, एक मुख शेर का, एक मुख बैल का और एक मुख उकाब का। यहाँ पर यहेजकेल ने इन प्राणियों के नाम के बारे में वर्णन नहीं किया है लेकिन यहेजकेल अध्याय 10 में इन्हें करूब के नाम से दर्शाया गया है। यहेजकेल हमें इन करूबों के बारे में कुछ और भी रहस्यों का खुलासा करते हैं जो बहुत ही अद्भुत है। अध्याय 1 उसका 15 से 18 में लिखा है, जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपनी चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आँखें ही आँखें भरी हुई थी। यहेजकेल ने यहाँ पर जो देखा या वर्णन किया उसको पूरी तरह से कल्पना करना या समझना मुश्किल है। इन करूबों के पास एक एक पहिया था जिसकी बनावट चमकदार फिरोजे सी थी। इन पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उन चारों घेरे में चारों ओर आँखें ही आँखें थी। आगे यहेजकेल ने बताया कि इन प्राणियों की आत्मा पहिए में थी और इनके सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ दिखाई देता था जिसके ऊपर एक सिंहासन था और उस सिंहासन पर परमेश्वर सा कोई व्यक्ति विराजमान था। यहाँ करूबों के बारे में वर्णन किया गया है कि उनकी पहियों के चारों ओर आँखें ही आँखें थी और यूहन्ना अपने प्रकाशित वाक्य में एक और खुलासा करते हैं कि इन प्राणियों के भी आगे पीछे आँखें ही आँखें थी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 उसका 6 में लिखा है, और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच के जैसा समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आँखें ही आँखें हैं। यहेजकेल के दर्शन में एक और बात बहुत खास देखने को मिलता है कि उसने देखा उन करूबों के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन था जो चारों करूबों द्वारा चलाया जाता था और ख़ास बात यह है कि ये बिना मुड़े ही किसी भी दिशा में चलाया जा सकता था क्योंकि इन करूबों के चारों ओर मुख थे जिसके कारण इन्हें मुड़ने का जरूरत नहीं होता था। यहेजकेल ने एक चमकदार सिंहासन को भी देखा और उसके ऊपर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे उसने परमेश्वर के महिमा के समानता के रूप में वर्णन किया है। परमेश्वर की इतने तेजस्वी महिमा को देखने के बाद यहेजकेल तुरंत ही मुंह के बल गिर गया। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ये करूब स्वर्गदूत हैं जिसे अक्सर लोग स्वर्गदूत क्यों बोलते हैं। दोस्तों अगर बाइबल में देखा जाए तो कहीं भी इनका वर्णन स्वर्गदूत के रूप में नहीं किया गया है लेकिन कुछ यहूदी अपोक्रिफल के लेखन में इन करूबों को स्वर्गदूत के एक भाग में साबित किया गया है और इन्हें स्वर्गदूतों के अपने पद अनुसार उनके कामों को बांट दिया गया है। इन करूबों को चलने में परमेश्वर की आत्मा उन्हें निर्देशित करती थी और उसी के अनुसार ये करूब परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलते थे। दूसरे प्रकार का स्वर्गदूत
जिसे यहोवा का दूत के नाम से भी संबोधित किया गया है। आखिर ये यहोवा का दूत कौन है? स्वर्गदूतों के भौतिक क्षेत्र में और लोगों के आमने सामने यहोवा के दूत को प्रकट होने का कई बार वर्णन किया गया है। वे लोग जिनके साथ परमेश्वर प्राचीन काल में सक्रिय रूप से कुछ काम करना चाहते थे, ये दूत उनके सामने प्रकट होते थे। इनके बारे में पुराने नियम और नए नियम दोनों में वर्णन किया गया है और इनको कुछ खास कारणों से बाकी के स्वर्गदूतों से अलग भी माना जाता है। ये परमेश्वर के जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बाइबल में दिखाए गए हैं। यहोवा के दूत ने एक बार बिलाम को एक दर्शन दिया जब बिलाम परमेश्वर के धन्य लोगों को श्राप देने जा रहा था। परमेश्वर के मना करने के बाद भी बिलाम उसी मार्ग में जा रहा था, तभी उस मार्ग में यहोवा का दूत उसे दिखाई दिया। लिखा है गिनती की किताब अध्याय 22 उसका 31 से 34 में, तब यहोवा ने बिलाम की आँखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को तीन बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसीलिए कि तू मेरे सामने दुष्ट चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से तीन बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझको मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है, इसीलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब बिलाम परमेश्वर के मना करने के बाद भी उस मार्ग में जा रहा था, तब उसे यहोवा का दूत दिखाई दिया और यह दूत बिलाम को मारने के लिए आया था क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लेकिन उस गदही के कारण जिस पर वह सवारी कर रहा था अपने प्राण को खोने से बच गया। जब वह गदही को बार बार मार रहा था, तब परमेश्वर ने उस गदही को मनुष्य का सा आवाज़ दे दिया, जिसके बाद उसने बिलाम से बातें की। जब बिलाम की आंखें परमेश्वर ने खोली, तब उसने यहोवा के दूत को अपने हाथ में एक तलवार लिए हुए देखा और जैसे ही उसने यहोवा के दूत को देखा वह मुँह के बल गिर पड़ा। दोस्तों, यहोवा के दूत के पास बिलाम के विरुद्ध परमेश्वर के न्याय को लाने का क्षमता और अधिकार था। इस बात से हम समझ सकते हैं कि वह परमेश्वर के कितना करीब होगा, जिसे ऐसा अधिकार भी दिया गया था। दोस्तों, बाइबल में यहोवा के दूत के बारे में बहुत बार वर्णन किया गया है। कई बार पुराने नियम और नए नियम की किताबों में भी बताया गया है। यह दूत लोगों के सामने भौतिक रूप से प्रकट हो जाते थे और लोगों को परमेश्वर के वाणी को पहुँचाते थे, लेकिन यीशु मसीह के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद कभी भी इन दूतों को भौतिक रूप से प्रकट होने के बारे में बाइबल में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।